फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज हम BCS 012 का क्वेश्चन पेपर जून 2019 देखेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, शो करना है आपने इस डिटर्मिनेंट को इसके इक्वल। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेकिंग LHS इक्वल्स टू, हम यहाँ पे एक LHS पार्ट ले रहे हैं, तो LHS हमने यहाँ लिख लिया है। इसको किसके इक्वल बनाना है, जीरो के। इस जीरो के इक्वल बनाने का मतलब है फ्रेंड्स कि आपने इस डिटर्मिनेंट को पूरे तरीके से रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। मतलब आप इसको कॉमन निकालिए, आप इसमें कैसे भी ऑपरेशंस परफॉर्म कीजिए, लेकिन इसको जीरो बनाइए। तो सबसे पहली बात जो यहाँ पर हमने नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर तीन वन है कॉलम वन में, तो हम इनको रिड्यूस कर सकते हैं जीरो में, एंड देन उसके बाद इसको एक्सपैंड कर लेंगे जैसा हम करते हैं अपने क्वेश्चंस में इस तरीके के। तो यहाँ पर इसको हमने सबसे पहले क्या किया कि ये a प्लस बी को, एंड जो डिवाइड मल्टीप्लाई में c हो रहा है, इस c को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही b और a की इक्वेशन को भी हमने खोल लिया है। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया सी ए प्लस बी सी, एंड बी सी प्लस ए बी, एंड ए बी प्लस सी ए। तो इस तरीके से हमने इस इक्वेशन को एक्सपैंड कर लिया है। अब इसके बाद इसमें अप्लाई कर रहे हैं आर टू चेंज टू आर टू माइनस आर वन। ये आर टू को हम जीरो बना रहे हैं, जिसकी वजह से ये हमारा आर टू माइनस आर वन से जीरो होगा। एंड हम इस आर थ्री एलिमेंट को भी जीरो कर रहे हैं जो कि वन है, तो वन माइनस वन, तो ये भी जीरो हो जाएगा। ऐसे ही हम बाकी इक्वेशंस को भी रिड्यूस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर रिड्यूस किया है इसको, क्या करेंगे, ये जीरो जीरो हो गया, ये सी ए माइनस ए बी एंड बी सी माइनस ए बी, एंड इसमें से बी सी प्लस ए बी देन माइनस होगा, और फिर ये सी ए और ये माइनस का बी सी हो जाएगा। तो ये माइनस बी सी एंड पॉजिटिव बी सी कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास बचा ए बी माइनस का सी ए। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स आए हैं, एंड ऐसे ही इसको भी आप कर लेंगे। तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हम देखेंगे कि ये जो जीरो वाली रो है उसमें ये एलिमेंट्स कॉमन है। अगर हम इनके साइन को आगे पीछे कर लें, जैसे यहाँ साइन हम कॉमन ले लें, तो ये ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे। कैसे, ये ए बी का यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, और ये सी ए यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इनको इनकी टर्म्स को आगे पीछे लिख रहे हैं। माइनस का ए बी होगा ये, एंड ये हो जाएगा प्लस का सी ए। तो माइनस ए बी प्लस सी ए, और माइनस ए बी प्लस सी ए से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट लग जाएगा उनके बीच में, एंड ये पॉजिटिव का ए बी हो जाएगा एंड ये नेगेटिव का सी ए। फ्रेंड्स, जब आप इस ब्रैकेट को आप अंदर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का ए बी और पॉजिटिव का सी ए। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि कैसे आप माइनस कॉमन लेंगे। कॉमन लेना सब सिंपल है, आपने उसको उसके तरीके के जैसा बनाना है और माइनस ब्रैकेट में करके कॉमन ले लेना है, अंदर वाले के साइन चेंज हो जाएंगे। एंड यहां पर ये सिमिलर हो गया इसके, ऐसे ही हमने नीचे वाले एलिमेंट को भी कर लिया माइनस कॉमन करके। अब इस रो थ्री एंड रो टू में से ये एलिमेंट हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहां लिख रहे हैं स्टेटमेंट, टेकिंग ए बी माइनस सी ए एंड ए बी माइनस बी सी कॉमन फ्रॉम आर टू एंड आर थ्री। तो कॉमन लेंगे तो यहां पर हमारे पास बचेगा वन 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 एंड वन, तो कॉमन ले लेंगे हम इसमें से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके के डिटर्मिनेंट आपको मिलेगी। अब ये डिटर्मिनेंट हमारी रिड्यूस हो गई है, तो अब हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। एक्सपैंड कर लेंगे तो इजीली हमारी इसमें कैलकुलेशन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसको एक्सपैंड किया है रो वन के लिए, कॉलम वन के लिए हमने इसको एक्सपैंड किया है, तो ये पॉजिटिव, क्योंकि जीरो जीरो के लिए करने की जरूरत नहीं है फिर। तो इसको हमने हाइड किया फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को, तो ये हमारे पास आएगा माइनस वन इंटू वन माइनस माइनस वन इंटू वन, एंड ये हो जाएगा माइनस वन प्लस का वन, जीरो मिलेगा हमें इससे। जीरो होगा तो ये सारे हमारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे मल्टीप्लाई होके। तो फ्रेंड्स, हमारी जो ये डिटर्मिनेंट थी वो हमारे जीरो के इक्वल हो गई है। तो ये हमारा सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर वन के ए पार्ट का। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, इफ ए जो डिटर्मिनेंट हमें गिवन है एंड आई टू हमें मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स है सॉरी, दो मैट्रिक्स हमें यहाँ गिवन है। फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स आई टू, तो ये हमें फाइंड आउट करना है।
तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, तो हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं इस एक इक्वेशन के लिए। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप? ए इंटू ए करके। हमने यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई में रखा, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई में रखा, तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 2 प्लस माइनस 1 इंटू 0। क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन में? रो कॉलम, रो सेकेंड कॉलम, देन नीचे आ जाएंगे फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो ऐसे हमारे एलिमेंट्स हमें क्या मिले ए स्क्वायर के? 4, 0, माइनस 5 एंड 9। अब हमने ए स्क्वायर निकाल लिया है, अब हम ए 5a फाइंड आउट करते हैं। तो 5a फाइंड आउट करने के लिए 5 की मल्टीप्लाई करेंगे ए मैट्रिक्स के साथ। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 5 को ए मैट्रिक्स से, हमें एलिमेंट्स आए 10, 0, माइनस 5 एंड 15। अब इसे क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर हमें जो आया था, एंड ये हो गया माइनस का 5a, और ये है 6i2। i2 हमें गिवन था सिर्फ उसमें 1, 1 की, हमें उसमें 6 की मल्टीप्लाई करनी थी, तो 1, 1 की जगह हमारे पास आ जाएगा 6 एंड 6। तो ये हो गया 6i2। अब सॉल्व करते हैं, इन दोनों को हमने माइनस किया, माइनस किया तो हमारे पास आया 4 माइनस 10 माइनस 6, माइनस 5 प्लस 5 0, 0 0 होगा, एंड 9 माइनस 15 माइनस 6 प्लस 6 0 0 6। सिमिलर है, साइन अपोजिट है, तो माइनस 6 प्लस 6 हो जाएगा 0 एंड 0। तो देयरफोर हमारी जो ये मैट्रिक्स है वो इक्वल हो गई 0 मैट्रिक्स के। तो ऐसे हमने इसको देखा कि कैसे इक्वेशन में पुट करके हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो फ्रेंड्स अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है फर्स्ट का। फर्स्ट का सी पार्ट है, शो दैट ए डिवाइड्स 3 रेज़्ड टू द पावर 2n-1 एंड n बिलोंग करता है कैपिटल N से। मतलब ये जो स्मॉल n है वो हमारा बिलोंग करेगा n को, मतलब नेचुरल नंबर्स को। तो सॉल्यूशन इसका कैसे आपने करना है? सॉल्यूशन में लेट कर लेंगे, सबसे पहले इक्वेशन को लेट करेंगे pn में। तो वो क्या है इक्वेशन? कि जो ये इक्वेशन है 3 रेज़्ड टू द पावर 2n-1 वो डिवाइड हो सकती है 8 से। तो लिख लेंगे pn इक्वल्स टू 2n-1 इज डिविजिबल बाय 8। एंड सबसे पहला स्टेप इसमें हमारा होता है पुट करना है n इज इक्वल्स टू 1। तो इस इक्वेशन में हमने n की वैल्यू रखेंगे 1, तो p 1 होगा, एंड n की जगह पे रख लेंगे 1, तो हमारे पास इससे क्या आएगा? 3 × 3 होगा, क्योंकि 3 की पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 9, 9 - 1 8। तो 8 हमारे पास आया, विच इज डिविजिबल बाय 8, जो 8 से डिवाइड हो सकता है। दस हम लिख लेंगे फिर कि पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू 1। एन इक्वल्स टू 1 के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, जो डिवाइड होगी, जो डिवाइड हो रही है 8 से। तो हमने देख लिया एन इक्वल्स टू 1 रखने पर ये डिवाइड हो गया 8 से। अब हम देखेंगे कि अगर हम कोई और एलिमेंट रखते हैं, लेट से वो एलिमेंट है के, तो क्या उसके लिए ट्रू होती है ये इक्वेशन? तो यहां पर हम लेट कर रहे हैं पी के बी ट्रू फॉर सम नेचुरल नंबर के। दैट इज अब हमारे पास जो n था वो हम k उसको रिप्लेस कर लेगा, तो पी के लिए इक्वेशन होगी 3 2k-1 इज डिविजिबल बाय 8। फ्रेंड्स ये सिमिलर है, बस हमने k को रिप्लेस कर लिया, n को रिप्लेस कर लिया k से। एंड फिर हम लिख लेंगे यहां पर लेट 3 2k-1 इज इक्वल्स टू 8m। मतलब ये जो एलिमेंट हमारे पास आएगा वो हमेशा 8 के मल्टीपल में होगा। इस इक्वेशन में आने वाला कोई भी नंबर, इस k में कोई भी वैल्यू जो आएगी और उससे जो आपको वैल्यू मिलेगी वो हमेशा 8 का मल्टीपल होगी। 8 का मल्टीपल होगी तभी तो वो डिविजिबल होगी 8 से। तो ये इस इक्वेशन का मतलब है। तो हम इसको यहाँ पर इक्वल्स टू 8m कर लेते हैं। 8m क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 8 से ही डिवाइड करना है। अगर यहाँ पे 9 होता तो हम 9m लेते। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कि जो हमारा m हमने लिया है वो एक कांस्टेंट है जो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स को। एंड इसी इक्वेशन को हम लिख लेंगे 3 2k = 8m + 1 को इधर ले जाएंगे। 3 2k के लिए हम इसको ऐसे लिख लेंगे इक्वेशन को, नंबर 1 हमने इसको दे दिया है। अब हमें प्रूफ करना है, k के लिए तो हमने कर लिया, एज्यूम कर लिया हमने k के लिए। अब k प्लस 1 के लिए हम प्रूफ करने जा रहे हैं कोई एक और नंबर जिसको हम k प्लस 1 कह रहे हैं। तो वी प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ट्रू व्हेनेवर पी के इज ट्रू। मतलब कोई नंबर
जो के नंबर है वो तभी वो ट्रू होगा हमारा, तो हमारा उसके अगले वाला नंबर भी ट्रू होगा सेम इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पर हम इसके लिए लिखेंगे, तो यहाँ पर हम इक्वेशन को लिख लेंगे, जो इक्वेशन हमारी है के प्लस वन के लिए बनेगी, जो कि होगी क्या, के की जगह पे हमने के, एन की जगह पे हमने के रखा था, अब हमें के की जगह पे के प्लस वन रखना है। तो देखिए यहाँ पे हमने के की जगह पे क्या रखा, के प्लस वन, एंड ये हमारी इक्वेशन थी। इसको लिख लेंगे 3 2k.3 raised to the power 2। फ्रेंड्स यहाँ पर ये होगा 2k plus 2, तो 2k plus 2 को हम ब्रेक कर सकते हैं ऐसे, बेस उनके सिमिलर होंगे तभी तो वो ऐड हो सकते हैं। तो ये हमारे ऐड होके क्या बनेगा, ये सेम टर्म, तो -1 लिख लेंगे। अब इसके बाद इसकी जगह पे हम रख लेंगे ये इक्वेशन, तो 8m+1.3 raised to the power 2 -1। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि इक्वेशन 1 से आया है, देन ये हो गया 9.8m+1 -1। अब इसके बाद क्या करेंगे, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, तो 9.8m हो जाएगा, डॉट नहीं है ये, इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, +9 -1। इस 9 को हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 8+9 × 8m। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये एक टर्म है पूरी जिसमें से हम 8 कॉमन ले सकते हैं, तो 8 हमारा कॉमन आ गया है, ब्रैकेट में ये हो जाएगा 1+9m, तो हमारे पास ये बना। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो m की वैल्यू कुछ भी होगी वो मल्टीप्लाई होगी हमेशा 8 से, तो 8 से मल्टीप्लाई होगी तो इसका मतलब वो हमेशा मल्टीपल होगी 8 का, और डिविजिबल भी होगा वो 8 से। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि 3 2k plus 1, जो इक्वेशन हमें गिवन है, इज डिविजिबल बाय 8, वो 8 से डिवाइड हो सकता है। दस पीके प्लस वन इज ट्रू वेन एवर पीके इज ट्रू, तो पीके प्लस वन ट्रू होगा जब भी आपका पीके ट्रू होगा। तो देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 3 2n-1 इज डिविजिबल बाय 8 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो ऐसे आपने इसका सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का डी पार्ट, इफ ए बी सी आर पी एट क्यू एट एंड आर एट टर्म ऑफ एन ए पी, एक ए पी की पी क्यू एट और आर एट टर्म है ए बी सी, तो शो करना है आपने ये इक्वेशन इक्वल होगी जीरो के, मतलब ये इक्वेशन बनानी है आपने जब आपको ये गिवन है। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द ए पी बी ए, हमने उसको लेट कर लिया, वो ए है, ए होगी, एंड द कॉमन डिफरेंस बी कैपिटल डी। तो यहाँ पर हमने ये लेट कर लिया है, अब हम लिख लेंगे कि ए एन क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो हमें गिवन है पी एट टर्म, तो उसे हम क्या लिखेंगे, ए पी इक्वल्स टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, उसके इक्वल किसके है वो ए के, क्योंकि आपको पी एट टर्म गिवन है ए, एंड ऐसे ही आपको बी क्यू एट टर्म गिवन है, तो क्या होगी क्यू एट टर्म, ए क्यू इक्वल्स टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, तो हो जाएगा बी। ऐसे ये सिमिलर हमारा सी भी बन जाएगा ए आर एट टर्म। अब फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से हमें क्या मिलेगा, ये जो टर्म्स है इनको इक्वल कर लेंगे, ए इक्वल्स टू ए प्लस पी डी माइनस डी, डी की मल्टीप्लाई करी पी के साथ, देन डी की मल्टीप्लाई करी वन के साथ, तो जाएगा पी डी माइनस डी। ऐसे ही सिमिलरली हमारी फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशन से हमें मिल जाएगा 4, 5 and 6 इक्वेशन, ये तीन इक्वेशन हमें मिल गई हैं। अब फ्रेंड्स हमारे पास ये तीन इक्वेशन हैं, हमें इनको इसकी तरह बनाना है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ ए बी सी में क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास ए की मल्टीप्लाई हो रही है क्यू माइनस आर के साथ, और बी की मल्टीप्लाई हो रही है आर माइनस पी के साथ, ऐसे ही सी की मल्टीप्लाई हो रही है पी माइनस क्यू के साथ। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 and 5 and 6 इक्वेशन को किसके साथ, क्यू माइनस आर के साथ, आर माइनस पी के साथ और पी माइनस क्यू के साथ, और फिर उसके बाद हम उन तीनों को ऐड कर लेंगे। तो एडिंग लिख रहे हैं 4, 5 and 6। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, पहली इक्वेशन के लिए मल्टीप्लाई हो रहा है क्यू माइनस आर, फिर सेकेंड इक्वेशन बी जो है वो एलिमेंट बी मल्टीप्लाई होगा क्यू आर माइनस पी के साथ, लेकिन ऐड हो जाएगा ए के साथ, ऐसे ही ये इक्वेशन भी हमारी मल्टीप्लाई होकर फिर ऐड हो जाएगी। ऐसे ही बाकी के एलिमेंट्स में भी क्यू माइनस आर, आर माइनस पी और पी माइनस क्यू मल्टीप्लाई होगा और वो आपस में ऐड हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये कुछ
इस तरीके की आपको इक्वेशन मिलेगी। अब क्या कर रहे हैं हम इसके अंदर, जो a के लिए है q माइनस r, r माइनस p और p माइनस q, इसमें से हम a कॉमन ले रहे हैं और फिर उनके अंदर वाली वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही हम pd कॉमन ले रहे हैं एंड इन तीनों को साथ में लिख लेंगे। ऐसे ही d के लिए भी हम कर रहे हैं तो d के लिए भी हम कर लेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके की इक्वेशन आएगी। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, ये q, ये माइनस q कैंसिल हो गया, ये r r कैंसिल हो गया एंड pp कैंसिल हो गया, एज इट इज सेम ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल होने का मतलब हमें क्या मिला, जीरो मिला। जीरो मिला तो a मल्टीप्लाई होगा जीरो से, ये मल्टीप्लाई होगा जीरो से, ये मल्टीप्लाई होगा जीरो से, ये तीनों जीरो मिलेंगे। तो ये इक्वेशन मेरी पूरी जीरो हो गई। तो यहाँ हम लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड यूनिटी फाइंड दिस। हमें ये फाइंड करना है और बताया कि वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। तो इसके लिए भी अपने कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, वो हम देखेंगे इसी सॉल्यूशन में। तो लिख लेंगे सॉल्यूशन, वी नो दैट वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू वन एंड वन बाय ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एंड वन बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा। फ्रेंड्स आपने ये फॉर्मूलाज याद कर लिए होंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लिख लेंगे। अब इसमें से हम देखिए क्या कर सकते हैं, वन प्लस ओमेगा प्लस थ्री ओमेगा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस टू ओमेगा स्क्वायर। इस थ्री ओमेगा स्क्वायर को मैं लिख रही हूँ ओमेगा स्क्वायर और टू ओमेगा स्क्वायर, क्यों, ताकि ये मेरा हो जाएगा वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, उसको फिर मैं जीरो लिख लूंगी। ऐसे ही मैं इसमें भी कर रही हूँ, ये जो टू ओमेगा है और जो टू ओमेगा स्क्वायर है इसको मैं स्प्लिट कर रही हूँ, तो ये दो ओमेगा हो जाएंगे, ये दो ओमेगा स्क्वायर हो जाएंगे, तो वो हमने यहाँ लिख लिए हैं। बाकी इस पूरी इक्वेशन के लिए मैं जीरो लिख लूंगी। तो यहाँ पर मैंने इस क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को यूज किया है जो कि है जीरो, तो इसकी जगह पे एंड इसकी जगह पे मैंने जीरो लिख लिया है। तो ये हो जाएगा टू ओमेगा स्क्वायर का होल का सिक्स, यानी हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल का पावर सिक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर टू ओमेगा स्क्वायर को मैं दे दूंगी 2 के लिए रेस टू पावर 6 एंड ओमेगा स्क्वायर के लिए रेस टू पावर 6। ऐसे इसको भी हम कर लेंगे। देखिए अब 2 रेस टू पावर 6 होता है 64, 2 की 6, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई होगा 6 बारी, तो ये हमारे पास आएगा 64 एंड ये हो जाएगा 12, 6 दुनी 12 एंड ये हमारा। फ्रेंड्स देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का वन, कैसे, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो होता है, वन को राइट साइड ले जाएंगे तो इसकी जगह पे हम इसको माइनस वन लिख लेंगे, तो माइनस वन ही हो गया। अब इस ओमेगा की पावर 12 को हम अगर स्प्लिट कर ले, ब्रेक कर ले, तो हम ये हो जाएगा 3 4 12। तो 3 के लिए मैंने इसको क्यों रखा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ओमेगा क्यूब होता है 1, तो ओमेगा क्यूब के लिए मैंने इसको इस तरीके से तोड़ा कि ताकि मैं उसकी जगह पे क्या रखता हूँ, 1 रख पाऊँ। तो यहाँ मैंने 1 रखा, उसकी पावर 4 एंड ये हो जाएगा 64 और ये माइनस 1 की पावर 6 जो कि एक इवन नंबर है, तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये हो जाएगा 64 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 65, ये आपका सॉल्यूशन। फ्रेंड्स देखिए आपने ये सॉल्यूशन करना है, 65 जैसे आ गया हमारे पास, तो ऐसे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, इफ हमारे पास अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इक्वल्स टू जीरो एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल 26, फाइंड ए फाइंड करना है, जो कि कहाँ है, इस इक्वेशन में ए है दो बारी। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के एफ पार्ट का। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेंगे यहाँ पर, ये जो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, हम इसको देखें तो क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो ए एक्स के लिए मेरे ए की वैल्यू यहाँ 1 होगी, बी के लिए होगी माइनस 4a, एक्स नहीं लिखते हैं उसमें, माइनस बी एक्स होता है, तो हो जाएगा ये बी के लिए माइनस की 4a की वैल्यू और ये सी मेरा पूरा हो जाएगा। एंड अब हम इसमें रूट्स निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है एंड अल्फा बीटा होता है सी बाय ए। तो माइनस बी बाय ए के लिए हमारे पास बी क्या है, ये है, तो हो जाएगा पॉजिटिव का 4a एंड ये हो जाएगा सी बाय ए के लिए, तो हमारे पास ये आया अल्फा बीटा। तो दो रूट्स हमारे पास इसमें आ गए हैं, सम ऑफ रूट्स हमें निकालना होता है, क्यूब ऑफ रूट्स हमें निकालना होता है, मैंने निकाल लिया है। अब नाउ जो हमें ये गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल 26, हम इसको
कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे कि हम उसमें पुट कर पाए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ये हम इसको बना रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हमने इसमें ऐड किया होगा टू अल्फा बीटा और माइनस किया होगा टू अल्फा बीटा। जब हम कुछ ऐड करते हैं तो हमें उस इतना ही माइनस भी करना होता है। तो वो तीन मेरी टर्म मिलकर बनी होगी ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ ए और बी तो नहीं है, यहाँ क्या है अल्फा और बीटा। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड बाकी का ये। अब यहाँ पुट कर लेंगे हम 4a, यहाँ पुट कर लेंगे हम ये इक्वेशन। पुट करने के बाद इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 16a स्क्वायर, ये हो जाएगा 8a स्क्वायर प्लस 18 इक्वल्स टू 26। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं a स्क्वायर वालों को साथ में, तो ये हो जाएगा 8a स्क्वायर, ये हो जाएगा 8a स्क्वायर इक्वल्स टू 8। डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1। यहाँ a स्क्वायर है तो इसके लिए दो वैल्यूज होंगी, जो कि एक पॉजिटिव वन होगी एक नेगेटिव वन होगी। तो ऐसे आपने फाइंड आउट कर लिया है ए की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 का एच पार्ट है, इवैल्यूएट करना है हमें इस इंटीग्रेशन फॉर्म को जो हमें गिवन है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस रूट एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन के साथ, तो 3 रूट एक्स हो जाएगा प्लस 2 रूट एक्स और एक्स और ब्रैकेट में हमारे पास डी एक्स। अब फ्रेंड्स ये दो टर्म्स हो गई, दो टर्म्स के लिए हम दोनों के लिए अलग अलग इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, तो हमने दोनों को अलग कर लिया है। नॉन डी एक्स तो हम लगाएंगे ही दोनों के लिए साथ में, तो ये हो गया कुछ इस तरीके से दिखेगा। फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक्स रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 एंड इसकी पावर क्या कहलाएगी इस टाइम पे 1। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे क्योंकि बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी जो कि हो जाएगा 3/2। ऐसे ही हम यहाँ पर इस 3 को जो कॉन्स्टेंट पार्ट है उसे आगे ले आएंगे 2 की तरह भी, फिर उसके बाद एक्स की पावर ये हो जाएगा 1/2 एंड सॉल्व कर लेते हैं। अब एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन के केस में, होता है 1/n+1 इनटू में एक्स की पावर n+1। वही हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, क्या किया 1/n+1 जो कि क्या n+1 1/2+1 एंड एक्स की पावर n+1। तो ये सिमिलरली हमने यहाँ पर भी यही अप्लाई किया है। तो हमारे पास सॉल्व करके कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 5/2, ये भी हमारे पास फॉर्म कुछ इस तरीके से मिलेगी। अब इन्हें सॉल्व करते हैं नीचे। फ्रेंड्स यहाँ पर हम 2 ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास ये होगा 2x की पावर 3/2, 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 4/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस सी। तो फ्रेंड्स ऐसे आपने इसको सॉल्यूशन कर देना है। तो फ्रेंड्स हमारे पास अब सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, जो कि है इफ ए डेटा, आपको मैट्रिक्स गिवन है, शो करना है ए एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई करने से हमें 0 मिलेगा। सबसे सिंपल आपके पास सॉल्यूशन कैसे होगा, इसमें सॉल्यूशन में ए लिख लेंगे, एडजॉइंट ए के लिए को फैक्टर्स निकालेंगे, डायरेक्ट को फैक्टर्स आपको निकालने आते हैं। सबसे पहले C11 लिख लेंगे, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव चलेगा क्योंकि हमारे पास इवन के लिए पॉजिटिव रहेगा और ऑड के लिए नेगेटिव रहेगा इन दोनों के सामने। तो ये हो जाएगा, एलिमेंट्स हमारे पास आए 3, -1 एंड -5। फ्रेंड्स ऐसे ही हमने बाकी के कोफैक्टर के एलिमेंट्स भी निकाल लिए हैं, तो ये बाकी सारे कोफैक्टर्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या होगा स्टेप, कि हम एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे क्योंकि एडजॉइंट ही हमें निकालना है उस इक्वेशन में पुट करने के लिए। कोफैक्टर्स से हमारा एडजॉइंट निकलेगा क्या, कोफैक्टर्स का आपको ट्रांसपोज करना तो वो एडजॉइंट बनता है, तो तब वो आपका इक्वल्स टू आपने चेक करना होगा 0 के। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एलिमेंट्स को लिख लिया है लेकिन वो अभी ट्रांसपोज में है, ट्रांसपोज नहीं हुए हैं, तो ट्रांसपोज हमने इसको ऐसे लिख लिया है टी करके। ट्रांसपोज करने पर हमारे पास ये रो कॉलम बन जाएगी, तो ऐसे अब हमारा एडजॉइंट ए आ गया है। एडजॉइंट ए के बाद उसको रख लेंगे हम ए और एडजॉइंट ए की जगह पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो रो कॉलम, फर्स्ट कॉलम रो, सेकेंड कॉलम रो, थर्ड कॉलम, ऐसे ही बाकी एलिमेंट्स के लिए भी एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते जाएंगे आपस में और साथ में ऐड होते जाएंगे। तो ये हमने ऐसे सॉल्व कर लिया है, देखते हैं क्या हमारे पास मैट्रिक्स मिलती है इससे। फ्रेंड्स सॉल्व करने पर मेरे को ये क्या मिला, 0 मिला, इसका मतलब ये आपकी 0 मैट्रिक्स के इक्वल हो गया। तो हेंस हमने प्रूव कर दिया है जो हमें बोला हुआ था उस इक्वेशन में। फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है, इफ ए इक्वल्स टू दिस, शो करना है कि ए जो है रो इक्विवेलेंट होना चाहिए I3 के, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको इसको पूरा बनाना है। तो अप्लाई करते हैं इसमें, ये 1 है, सबसे अच्छी बात है कि ये 1 है, तो हम इन इसको तो 0 है, ये इसको 0 कर लेंगे। 3 को 0 बनाने के लिए उतने टाइम्स में मल्टीप्लाई माइनस करेंगे, तो रो 3 में क्या करें, रो 3 टाइम्स 2, रो 3 -3 टाइम्स ऑफ R1।
तो हमारे पास ये एलिमेंट जीरो हो गया, बाकी के एलिमेंट चेंज हो गए, तो ये फाइव और माइनस फाइव। अब फ्रेंड्स इसमें हमारे पास ये फोर की जगह पे वन होना चाहिए, लेकिन ये वन नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अब वन अगर हम फोर की डिवाइड करते हैं यहाँ पर, तो ये सेवन बाय फोर हो जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम नहीं चाहते कि हम फ्रैक्शन में कैलकुलेशन करें, तो हम यहाँ पे एक इजी काम कर रहे हैं, इस को हम डिवाइड कर रहे हैं फाइव से, रो थ्री को हम डिवाइड कर रहे हैं फाइव से, तो ये वन वन हो जाएगा। अब ये वन हो गया, ये वन हो गया, तो इस वन के लिए हम इसको इंटरचेंज कर लेंगे, तब मेरा ये पर वन आ जाएगा, क्योंकि मेरे को आइडेंटिटी में बनाते हुए चलना है उसे। तो डिवाइड करने पर ये हो गया वन वन, आप क्या करेंगे, इंटरचेंज ऑपरेशन में लगा लेंगे। इंटरचेंज क्या हुआ, रो टू में इंटरचेंज कर लिया रो थ्री को। हम इंटरचेंज तभी कर पा रहे हैं यहाँ पर क्योंकि ये दोनों ज़ीरो थे, अगर ये ज़ीरो नहीं होते, यहाँ कुछ और होता है एलिमेंट, हम दोनों इन दोनों को नहीं कर पाते, तो इसलिए हम इनको इंटरचेंज करेंगे क्योंकि ये ज़ीरो हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इसको इंटरचेंज करने के बाद इसको ज़ीरो कर लेंगे, तो उतने टाइम्स में माइनस करेंगे, तो आर थ्री चेंज टू आर थ्री माइनस फोर टाइम्स ऑफ आर टू, तो हमारे पास ये हो जाएगा इलेवन। आर थ्री में चेंज हो गया है, ये ज़ीरो हो गया, इसकी टर्न है ज़ीरो होने की, किसकी हेल्प से, इसी वन की हेल्प से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं क्या, ऐड होंगे दोनों तो ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारे पास इसमें इफेक्ट पड़ा तो क्या मिला हमें, वन मिला। अब ये हो गया हमारे थोड़ा बनता जा रहा है आईडी की तरह, अब इसकी बारी है इलेवन की, क्या करेंगे इलेवन को वन बनाने के लिए, डिवाइड कर लेंगे सीधा, डिवाइड कर लेंगे तो ये वन हो गया। अब इसकी इससे सॉल्व करेंगे ऑपरेशन लगा के, आर टू प्लस आर थ्री एंड आर वन माइनस आर थ्री, तो ये R1 में चेंज हो जाएगा, R2 में चेंज हो जाएगा, तो ये 0-0 हो जाएंगे एंड बाकी के एलिमेंट्स में इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों 0 हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे हमने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लिया है, तो हम लिख लेंगे A इज इक्वल्स टू आई थ्री हेंस प्रूव्ड। तो फ्रेंड्स अब हमारा सेकेंड का C पार्ट हम देख रहे हैं, जिसमें A और B हमें मैट्रिक्स गिवन है, शो करना है ए बी को, मतलब ए और बी की मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिले, सिक्स आई थ्री मिले, सिक्स की मल्टीप्लाई करने पर आई थ्री के साथ, तो क्या बनेगा, सिक्स 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 आपका वन वन की जगह पे, बाकी एलिमेंट्स जीरो। फिर एक और इसमें क्वेश्चन है कि यूज करना है आपने इसी को टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को भी आपने सॉल्व करना है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि एक्स वाई जेड की आपको वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले पहला हम सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन कर लेंगे ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई हमने कर लिया है फ्रेंड्स ए और बी को, तो देखिए यहाँ पर ये सिक्स 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 हो गया, हमने यहाँ सिक्स कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा वन वन वन, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी बन गई। तो हम लिख लेंगे कि ए बी हमारी सिक्स इंटू आई थ्री है, बन रही है, तो हमारे पास ये हमारी सेटिस्फाई हो गई है कंडीशन। अब अगला स्टेप है, आपने इसी को यूज़ करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, आपको इसी का यूज़ करना है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का आपने सॉल्यूशन कैसे करना होता है, x इक्वल्स टू ए इनवर्स डॉट हमारे पास c, मतलब कि x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी एंड a इनवर्स आपको उसके लिए ज़रूरत होगी, और b हमारे वो इक्वेशंस तो होती है हमारे पास जो एंड की वैल्यूज होती हैं वो तो हमारे पास हमें गिवन होती हैं। तो देखते हैं हम कैसे इस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं a इनवर्स निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर देखिए क्या किया, सिक्स आई थ्री को यहाँ हम नीचे ले आए हैं, आई थ्री हमने यहीं रखा है राइट साइड में, सिक्स को हम यहाँ ले आए, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख लिया वन बाई सिक्स और बी। अब फ्रेंड्स ये ए जब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए जब यहाँ जाएगा तो वो मल्टीप्लाई होगा आई थ्री के साथ, मतलब डिवाइड होगा आई थ्री के साथ, तो वो हमारा बनाएगा ए इनवर्स, ये हमारी नीचे जाएगी वैल्यू तो हमारा ए इनवर्स कहलाएगा वो, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स के लिए वैल्यू वन बाय सिक्स का बी, मतलब हमारी ये ए इनवर्स हमें मिल गया है। तो जिसके लिए हमें ज़रूरत होती है अगर हम ए इनवर्स यहाँ से नहीं लेते तो हमें क्या स्टेप फॉलो करना होता है, पहले हम डिटर्मिनेंट चेक करते हैं, डिटर्मिनेंट चेक करने के बाद हम कोफैक्टर्स निकालते, कोफैक्टर्स निकालने के बाद फिर हम ए इनवर्स निकालते, इक्वल्स कैसे, ए इनवर्स इक्वल्स टू वन बाय डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए, लेकिन यहाँ पर इस इक्वेशन की हेल्प से हम डायरेक्ट ए इनवर्स निकाल पा रहे हैं। इस स्टेप को आपने ध्यान से देखना होगा कि कैसे ये ए इनवर्स हमें फाइंड आउट करके दे रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ बोला हुआ है कि आपने उसी इक्वेशन का यूज़ करना है। तो स्टार्ट करते हैं, ए इनवर्स हमारे पास आ गया, हमारे पास इक्वेशंस ये हैं, हम इन इक्वेशंस को कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स इक्वल्स टू सी की फॉर्म में, तो फ्रेंड्स हमारे पास ये हो जाएगा ए एक्स और सी,
ए के लिए इक्वेशंस, ये इक्वेशंस हमने उन्हीं इक्वेशंस में से लिया है, ये वैल्यूज एक्स के लिए 1 था कोएफिशिएंट, वाई के लिए -1 और जेड नहीं था वहाँ पे तो ये 0 हो गया। ऐसे ही सेकेंड रो एंड कॉलम बन जाएगा हमारा, सेकेंड रो एंड थर्ड रो बन जाएगा, एंड ये हो जाएगा एक्स और सी के लिए मैट्रिक्स। अब हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स डॉट सी, ए इनवर्स की जगह हमारे पास ये आ जाएगा एंड सी के लिए ये वैल्यूज है। तो ये वैल्यूज हमारे पास मल्टीप्लाई होंगी इनके साथ, दोनों ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई होंगी। फ्रेंड्स मल्टीप्लाई होने के बाद कुछ इस तरीके के एलिमेंट्स हमें मिलेंगे -6, 27 और 9। अब हम क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स को डिवाइड कर लेंगे 1/6 के साथ, मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/6 के साथ। 1/6 मल्टीप्लाई होगा -6 के साथ तो ये हो जाएगा -6/6 जो कि मिलेगा -1। ऐसे ही बाकी एलिमेंट्स हमें मिलेंगे 4/5 और 1/5। तो फ्रेंड्स ये हमारे वैल्यूज आ गई हैं एक्स और वाई और जेड के लिए, एक्स इक्वल्स टू -1, वाई इक्वल्स टू 4.5 एंड जेड इक्वल्स टू 1.5। फ्रेंड्स हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है एंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो की फर्स्ट पार्ट का। बाकी क्वेश्चन हम सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे जिसका सेकेंड पार्ट होगा। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास 3 का फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 700 विच आर डिविजिबल बाय 8। आपको सम निकालना है उन इंटीजर्स का जो इन दोनों के बीच में आते हैं लेकिन वो नंबर्स डिवाइड होते हैं सिर्फ 8 से। मतलब आपने 100 और 700 के बीच में, 100 और 700 के बीच में आने वाले नंबर्स का जो डिवाइड होते हैं 8 से, उनका सम फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास एपी का क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम, सीरीज बना लेंगे कि इनके बीच में वो कौन से नंबर्स हैं जो डिवाइड हो सकते हैं 8 से। तो पहला नंबर है 104, तो लास्ट एलिमेंट क्या होगा 696। ऐसे ही बाकी के हमें जो मिले हमने उस तरीके से सीरीज बना ली है। फ्रेंड सबसे इजी क्वेश्चन जो ये होता है, इसमें आपको गिवन होते हैं चीज़ें एंड फॉर्मूला आपने याद करना होता है। तो ये हमारे पास आ गई है सीरीज, पहला एलिमेंट क्या है 104 है, डी इसमें क्या होगा, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, 1/112 और 104 के बीच में डी कितना होगा 8 होगा। एंड लास्ट टर्म हमारी है 696, लास्ट टर्म को आप एल से डिनोट कर सकते हो या ए एन से। अब फॉर्मूला होता है ए एन का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन क्या है 696 इक्वल्स टू ए क्या है 104 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी जो कि 8 है। मीन्स एन मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस सीरीज में, वो हम यहाँ पर हमें मिलेंगी इसे सॉल्व करने के बाद। तो सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8n-8। सॉल्व कर लिया तो हमारे पास एन कितना आया 75। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये 75 आया है। अब इसके बाद हम सम निकालेंगे, तो 75 एलिमेंट्स हैं उस सीरीज के अंदर जिनका सम आपने फाइंड आउट करना है। तो सम के लिए फॉर्मूला आप लगा लेंगे, सम इक्वल्स टू n/2 a+l। तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से, आपको मिलेंगी वैल्यूज 75 × 800/12 एंड ये हो जाएगा इंटू, तो 30,000। मतलब उन उस पूरी सम का, उस पूरी सीरीज का सम कितना होगा 30,000 हमारे पास आया। तो फ्रेंड्स ऐसे आपने सॉल्यूशन करना है जो हमने देखा अभी जून 2019 के लिए। ऐसे ही हम आप कुछ और पेपर्स भी देखेंगे, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था, सेकंड वीडियो हम बाद में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ये क्वेश्चंस ख़त्म कर लिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।